आज हमारा लगेज बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं कि हम लोग सिर्फ जा रहे हैं, हम लोग दो फैमिली एक साथ जा रहे हैं मनाली। यस तो हम लोग मनाली जा रहे हैं। एक्चुअली मेदराज को छुट्टी मिला तीन दिन, चार पांच दिन का, तो हमने सोचा कहाँ जाया जाए, तो उसने कहा हिल स्टेशन चलते हैं। तो साथ में हमारे मित्र रंजीत जी भी बिहार से आ गए, फट से प्लान बना लिया और तुरंत आ गए यहाँ दिल्ली, और हम लोग सब साथ में मनाली जा रहे हैं। तो अभी हम लोग वॉल्वो बस से मनाली जाने वाले हैं। वॉल्वो हमारी ISBT कश्मीरी गेट से निकलेगी, जिंग बस की वॉल्वो है। तो चलिए चलते हैं, 8:40 और समय हो गए हैं 7 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा 40 मिनट जाने मिलेगा। थोड़ा देर लॉन्च में बैठेंगे, देखेंगे कैसा, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वेलकम बैक टू ML लाइफ। हेलो। देखिए इतने सारे लोग हैं, मुझे इस लगेज से ज्यादा इन लोगों को संभालना है। कोई बात नहीं, सबको मैं संभाल लूंगा लगेज के साथ साथ, है ना। चलें चलते हैं। एक्साइटेड हो तुम लोग? एक गाड़ी आ चुकी है XL, जिसमें सारा लगेज जा रहा है और दो चार लोग चले जाएंगे। बाकी दूसरी गाड़ी अभी हमारी आ रही है 2-4 मिनट में, फिर उसमें हम लोग जाएंगे, है ना। तो हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और 7:15 हो चुका है और हम लोग बस से जा रहे हैं। हमारे पास ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो बस नहीं जा सकते हैं। फ्लाइट जा सकते हैं, लेकिन कुल्लू तक जा सकते हैं, फिर कुल्लू से आपको कुछ टैक्स वैक्सी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ISBT जा रहे हैं और अभी सीजन चल रहा है, पीक सीजन इसको बोलते हैं, मई जून जो मनाली शिमला का पीक सीजन होता है, फिर दिसंबर में आता है जब स्नोफॉल देखने जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्लान एकदम तुरंत बनता है, उसी तरह ये अनप्लान्ड प्लान बन गया है। अभी हम लोग निकले हैं और बस की टिकट भी अभी जो है थोड़ा रेट बढ़ जाता है सभी चीजों का, होटल्स के भी रेट, बस के भी रेट, सब इस टाइम में बढ़ जाते हैं। फिर भी क्या करें, छुट्टियां इसी समय होती हैं तो लोग इसी समय जाते हैं। तो चलते हैं, पूरी जर्नी को आप लोगों को दिखाते हैं, बस की जर्नी सुबह मनाली तक हम लोग। तो हम लोग कश्मीरी गेट मेट्रो गेट नंबर 1 के पास उतर गए हैं, यहीं पे कहीं लॉन्ज है, चलिए देखते हैं कहाँ पे। तो मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास उतर गए, जहाँ जिंग बस का लॉन्च है, और यहीं से हमारी बस निकलेगी 8:40 में। और मुझे सामने जिंग बस का लॉन्च दिख रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे और भी कंपनीज के हैं, मेट्रो स्टेशन के साथ साथ भी हम लोग जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन चल ही रहा है, सामने डोमिनोज है और ये है जिंग बस लॉन्च। चलिए अंदर चलते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम स्पेस है, लेकिन लोग बैठे हुए, एसी वैसी चल रहा है, चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो तुम क्या कर रही हो, चार्ज कर रही हो, तो तुम्हें जगह मिल गया। तो मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत सारे शोरूम है, तो पीछे जूडियो का शोरूम है, दोनों महिलाओं को मैं जूडियो के शोरूम में घुमाने लेके आ गया था, दोनों घूम के जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए। सबको जगह मिल गया और बस आते जा रही है, लोग खाली होते जा रहे हैं। अभी लॉन्च में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर 15 मिनट तो मनाली के लिए बस निकल रही है, मतलब इतने लोग मनाली जा रहे हैं, पता नहीं कितनी भीड़ होगी मनाली के अंदर। हर 15 मिनट पे अनाउंसमेंट आ रहा है कि 8:30 वाले, अब 8:45 का, पहले 8 बजे का आया, फिर 8:30 का आया, अब 8:45 का आएगा। मनाली में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं होगा, पूरा बड़ा पूरा होगा, ऐसी पहाड़ के गिर जाएंगे साइड से। तो बस हमारी आ चुकी है, अभी 8:45 हो गए हैं और बस हमारी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं बस लेने के लिए। इधर देखिए, आगे आगे हमारे कंडक्टर साहब जो भी होंगे वो हमें लेके जा रहे हैं बस पे। ये बस हमारी लगी हुई है और लगेज के लिए डिक्की खुल चुका है, सबसे पहले लगेज अपना रख देते हैं इसमें। थोड़ा अंधेरे में लगा हुआ है, मैं सामने दिखा दूँ, ये वॉल्वो है और ये देखिए अंधेरे में रोड पर लगा हुआ है, अभी लगेज सब डलवा ही रहे हैं, लगेज डलवा के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, सब है। पहला ही सीट है, पहला ही सीट, पहला सीट ही है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये दिखा, ये है बस का नजारा। अभी बस से सब लोग आ रहे हैं, ये लोग जगह ले लिए, हम लोग का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक पीछे वाला है 10। 10 नंबर कौन सा है? 10 नंबर ये वाला, वो विंडो वाला। तो ये सारी आगे का सीट हमारा ही है, तो सीट पर ब्लैंकेट रखा हुआ है, ये अच्छी बात है, ताकि हम लोग ठंड ठंड वाले लगे, वैसे तो हम लोग अपना चादर लेके आए थे, बस ब्लैंकेट रखा हुआ है तो फैसिलिटी है। और ओवरऑल बस तो ठीक ही लग रहा है, सामने सामने का नज़ारा है, अंधेरा है, अंधेरा में ज़्यादा देख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, चलते हैं और जर्नी को इन्जॉय करते हैं। तो बस निकल चुकी है और धीरे-धीरे निकल रही है दिल्ली के ट्रैफिक से, ये देखिए। और यहाँ पर हम लोग सीट एडजस्टमेंट करते हुए, क्योंकि पीछे एक सीट
अकेला है, अकेला कौन बैठेगा, कोई तैयार नहीं है। हम तो नहीं बैठे, हम आगे बैठे, हम यहाँ से आप लोग नजारे लेंगे। कौन बैठ रहा है पीछे, इसीलिए बोले थे छह, चार या छह, तुम लोग किए पांच। यहाँ पे फुटरेस्ट के लिए भी दिया हुआ है, ये ऊपर आएगा, इसको ये इसको ऊपर लाने का कहीं से जुगाड़ होगा। यहाँ देखो, चलो बात ये बाद में करेंगे, फुटरेस्ट के ऊपर ये बैग भी तो जाएगा, ये पुश बैग भी जाएगा, तो अभी थोड़ा देर बाद पुश बैग करेंगे, फिर देखेंगे कितना रेस्ट इसमें मिलता है। इनको देखिए पूरे तरीके से, मतलब सेमी स्लीपर, इसको पूरा मतलब नींद अच्छी है, इसको भी अगर ऊंचे ऊपर कर लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। ये बैग है ना, इसको हटा लो तो स्पेस मिल जाएगा। दिखाओ थोड़ा सा पीछे जाओ, हाँ आगे आ गया, ठीक है, कंफर्टेबल है, सो जाओगे चैन से। ये पैर रेस्ट, ठीक है, फुट रेस्ट, इसको ऊपर कर सकते हो, बैग ऊपर रख दो तो यहाँ जगह मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, इसमें भी रख सकते हैं। हाँ, चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है और प्लग दिया हुआ है, जहाँ से चार्जर यूएसबी भी दिया हुआ है। नहीं नहीं, सिर्फ तो हम लोग आ चुके हैं स्लीपिंग मोड में, देखिए मस्त दोनों आदमी फैल चुके हैं, ड्राइवर देखिए आराम से हो गया, बहुत रिलैक्स है, और मनाली तक ऐसे ही सोते हुए चले जाएंगे। वैसे रास्ते में खाने वाने के लिए रुकेगा, जो भी होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे। और 1600 का टिकट हमें पड़ा है, एक्चुअली पीक सीजन के लिए रेट ज़्यादा है, तो बसें भी बहुत निकल रही है, फिर कोई नहीं, तो बसें रेट 1200-1300 के आसपास, 1200 या 1100 के आसपास भी मिल जाता है, कोई नहीं। अभी फिर आप लाइट तो नहीं जल रहा है, एसी का वेंट सही काम कर रहा है। दिल्ली से निकलते हैं, हमें पानी की बोतल मिल चुकी, पानी की बोतल मिल गई, पानी की बोतल हमने ले लिया है, सारे पैसेंजर चढ़ गए, और हम लोगों ने वोमिटिंग बैग के रूप में प्लास्टिक भी मिल चुका है हमने, मतलब प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन है वोमिटिंग बैग, ये अगर उल्टी उल्टी आती है पहाड़ों पे जाने से तो उसको हम यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ नहीं, हमने दवा ववा भी ले लिया है, पहाड़ों जाने पे अक्सर उल्टी आती बंद बसों में खासकर। तो रात के बज गए 12-12 बजे, बस रुकी है इस ढाबे पे, जगह कौन सी है पता नहीं, ये ढाबा अभी सामने चल के देखता हूँ कौन सा, क्या नाम है इस ढाबे का, मन्नत दिख रहा, वहाँ मन्नत दिख रहा, हाँ बगल में तो मन्नत है, लेकिन इसमें रुका है हमें, कोई नहीं चलते हैं। ये है ढाबा, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सारी बसें यहीं पे लगी हुई हैं, वैसे ये रॉन्ग साइड है फिर भी लोग मतलब उल्टे साइड में गाड़ी घुमा के यहाँ पर लगाते हैं, और मन्नत पे लगाते हैं, इस तरह से मन्नत पे लगाना चाहिए था। चलो जल्दी फटाफट चलते हैं भाई। ये 250 रुपए की दाल मिली है, ये एक मटका, दो मटका दाल ले लिया हमने, ये रोटी ले लिया है, 30 रुपए की रोटी है, और 120 रुपए का चावल है जो कि आ रहा है, तो अभी हम लोग इसको फटाफट खाएंगे, दाल चावल रोटी, तो जो हल्का एक एक रोटी सब खाएंगे, खिला देंगे, इसको भी खिलाना है। चलो चलो फटाफट से फिनिश करो बच्चों, अलग से प्लेट में, और खाना है तो पहले बता देना। ये देखो, ये वॉल्वो 9400 एक्सल होता है, बहुत सारे सारे वॉल्वो लगे हुए हैं। ज़्यादा मनाली जा रहे हैं। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और तकरीबन 40 मिनट यहाँ पे रुक के बस, और यहाँ से निकलने वाली है, निकलेगी यहाँ तो देखते हैं कितने रुकेगी, कितने बजे रुकेगी, तब तक हम सुबह ही रुकेगी, अब देखते हैं हम लोग, अभी नींद अभी भी अच्छी आ गई है, अभी बहुत स्मूथ बस चल रही है, चलिए देखते हैं। तो ये वो ढाबा, ढाबा कहीं ना, अच्छा मयूर ढाबा ऊपर नाम लिखा हुआ है, मयूर ढाबा, ये मयूर ढाबा था, इसके बगल में मन्नत है, ये कौन ढाबा था, मयूर, संसदीय क्षेत्र में
तो मंडी से थोड़ा सा आगे आकर के बस रुकी हुई है। ये देखिए ब्यास व्यू गेस्ट हाउस में अंदर है, जाकर के नाश्ता वास्ता चाय कॉफी वगैरह सब कुछ ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और वॉशरूम भी साफ सुथरा था, है ना, वॉशरूम भी साफ सुथरा था। यहाँ पे देखिए सारी बसें जा रही है मनाली की तरफ। मौसम चेंज हो चुका है, मौसम चेंज हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह का सूर्योदय आप लोगों ने देखा ही होगा। और इधर का रोड थोड़ा सा वही है कि भैया उतना बढ़िया नहीं है, मंडी के बाद थोड़ा वो पहाड़ों वाला रोड शुरू हो गया तो यहाँ पे लेयर वाइज पहाड़ दिख रहे हैं। यार कितना बढ़िया पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए। और ये रोड की स्थिति है तो फोर लेन बट थोड़ा काम वाम चल रहा है। चलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, 6:30 बज गया, 8:30 बजे तक हम लोग मनाली पहुँच जाएंगे। बस को सामने से देख पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग अंधेरे अंधेरे में आए थे। ये जिंग बस प्लस लिखा हुआ है, सप्लाई पार्टनर नॉर्दर्न हरियाणा का नंबर है, वॉल्वो बस है। ये देखिए वॉल्वो का 9400 थोड़ा थोड़ा पुराना है बट ठीक है, मतलब वॉल्वो सब ठीक ही रहता है। नया रहता है तो एक फील आती है नई वाली, सीट वीट भी अच्छा है, कंफर्टेबल है, बस देखने में पुराना लग रहा है। अभी तक सो ही रहा है, सारे बच्चे सो रहे हैं लोग यहाँ से यहाँ तक अपनी जगह। हाँ सब सो रहे हैं, बैठो बैठो बैठो। हमें उतार दिया मनाली बस स्टैंड पे, है ना, हम लोग सब उतर गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बस जा रही है पार्किंग में और हम लोग चल रहे हैं अपने होटल में। तो बस हमारी चली गई है और हम लोग अभी जा रहे हैं होटल में। इस ब्लॉग करते हैं पेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट चैनल पे देखिएगा, बाय बाय।